विधानसभा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह स्पीकर प्रकरण को लेकर माहौल गर्म नजर आ रहा। एक तरफ जहां आरजेडी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है, तो वहीं भाजपा के विधायक भी नीतीश कुमार पर हमलावर होते दिख रहे। अपनी ही पार्टी के रवैये से बीजेपी के विधायक विनय बिहारी भी खासे नाराज नजर आ रहे। बता दें कि विनय बिहारी ने आज स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के समर्थन में उतरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी की, हमारी पार्टी के किसी भी विधायक ने इस पर एतराज नहीं जताया, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। साथ ही बीजेपी विनय बिहारी ने कहा कि इसलिए वह पहले से कहते नजर आ रहे हैं कि विधायक नीतीश कुमार के शासन में हिजड़ा बन गए हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा विधायक। तो हमारी पार्टी का एक भी विधायक जो है खड़ा होकर नहीं बोला कि इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। बोलना चाहिए था, सदन को अपमानित करने के लिए किसी को छूट नहीं। आपको लगता है गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए, सदन को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है। आप क्या बोले क्या थे, आप अपने भाषण में जो बोले थे अपने? नहीं, हम तो होली मिलन समारोह में बोले थे, पद पंछी क्षेत्र पिजड़ा हो गया है, नीतीश बाबू के राज में विधायक लोग हिजड़ा हो गया है। मतलब अपने लिए बोले थे, हम दो विधायक थे, राम सिंह और मैं, हमारे क्षेत्र में एक एक गरीब के घर 50-50 हजार का बिल आया है। जिसका झोपड़ी 50 हजार का नहीं है उसके घर 50 हजार का बिल आया है, और पब्लिक कह रही है कि आप लोग हिजड़ा हो गए, आप लोग कुछ बोलते नहीं, सदन में बैठे रहते हैं। हम लोग आजकल तो सब लोग के पास सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को नहीं, क्या करेंगे, सदन देखते हैं, सदन चलाने वाले लोग हैं, क्या करते हैं। हम तो एक विधायक हैं, विधायक की हैसियत से बैठेंगे और हम ये बार बार कहेंगे कि सदन में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उनको इस तरह से कोई को भी अपमानित करने का हक नहीं है, अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। और हमारे पार्टी के जो लोग थे उन लोगों में से भी किसी ने ये इस बात का विरोध नहीं किया, इसका भी मुझे बहुत तकलीफ।